These by Dallas make it hurt. कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके टर्म वन में आने वाला है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि भैया आप लेक्चर्स इतने लेट क्यों ला रहे हो, मतलब लेक्चर्स इतने लेट क्यों आ रहे हैं, साइंस के सोशल के तो सब टाइम पे आ गए थे, और इसमें क्या हो रहा है। देखो यार, कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण कुछ दिक्कतें आई थी बीच में, जिसके कारण जो है मैं टाइम पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, और थोड़े बहुत कुछ और फैमिली इश्यूज भी थे, इस चक्कर में वीडियोस टाइम पर नहीं आ पा रहे थे। वरना ऐसा जनरली कम होता है कि कोई स्केड्यूल मतलब ऐसा एक्सट्रीम लेवल पर फॉलो ना हो, क्योंकि कभी कभी एक दो दिन का गैप हो जाता है, उसके अलावा कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर स्केड्यूल में कोई भी गैप नहीं आया है। पर अभी कुछ दिक्कतें चल रही थी जिस कारण मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था, बाद में कभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। पर अब मैं पूरा ट्राई करूँगा कि हम लोग बिल्कुल ट्रैक पर जो है चीज़ें लेकर आएँ। इसलिए कल बैठ के मैंने सारे ही सारे चैप्टर जो हैं आपके वो पूरे ऐसे डिटेल में निकाले हैं, और बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के लिए क्रिएट करवाया है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वी आर अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 लाख फैमिली मेम्बर्स की हमारी ये जो पूरी तबाही फैम है वो होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। एंड इसी के साथ साथ जिसने भी अभी तक पढ़ने की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, भाई साहब यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, ऐप के अंदर इतना सारा कंटेंट आ चुका है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस चैप्टर को आप ऐप में भी जाकर देख सकते हो, जो कि कम्प्लीटली फ्री है देखना। प्लस वहाँ पर आप इसको एड फ्री देख सकते हो, मतलब यहाँ पर आप एड्स देख रहे हो, वहाँ पर आप एड फ्री देख सकते हो, ठीक है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इस चैप्टर की PDF वहाँ देखने को मिलेंगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस, इस चैप्टर के RD शर्मा के सॉल्यूशंस, एंड इस चैप्टर के आपके NCERT एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस, ये सारे सॉल्यूशंस आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो जिसने भी अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू गो एंड इंस्टॉल द एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये बिल्कुल तुम्हारा टर्म वन सेंट्रिक चैप्टर रहने वाला है। हम लोग बिल्कुल आपके टर्म वन को फोकस करते हुए ये चीजें पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारा ज्यादा समय उन चीजों में नहीं लूंगा जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो चीजें कि तुम बहुत आसानी से समझ सकती हो, ठीक है। मैं तुमको बिल्कुल ऐसे तरीके से समझाऊंगा तुमको लगेगा यार ट्रिग्नोमेट्री की हलवा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वैसे। तो समझते हैं यार कि इस चैप्टर के अंदर हमको करना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, जिसने भी अभी तक नाम नहीं सुना है वो सुन लो। तुम पढ़ोगे इसमें साइन थीटा, ठीक है, तुम पढ़ोगे इसमें कॉस थीटा, तुम पढ़ोगे इसमें टैन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक, कॉट थीटा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है तुम लोग इसमें पढ़ने वाले हो। भैया ये सब क्या है, मैं तुमको बताता हूँ क्या है। पहले तुम समझो कि ये जो यहाँ पर तुमको राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रहे हैं दो, इनका क्या महत्व है और ये क्या क्या इससे होगा क्या। ओके चलो समझते हैं। सबसे पहले तुम फोकस करो इस एंगल ए पे, ठीक है, इस एंगल ए पे। भाई स्वाभाविक सी बात है, इस एंगल ए के लिए इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, है ना। इस एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड, जैसे कि ये एंगल ए है, तो ये वाली जो साइड है BC साइड, ये इस एंगल ए के लिए अपोजिट साइड होगी, जस्ट सामने वाली साइड होगी, है कि नहीं। वेरी गुड, तो मैं क्या कहूंगा, BC इज द साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये रहा एंगल ए मेरे जस्ट सामने, या फिर ऐसा अगर खड़ा हो तो जस्ट सामने जो साइड है वो है BC, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ साइड अपोजिट टू BC। बहुत बढ़िया, तो इसको मैं कह सकता हूँ साइड अपोजिट टू एंगल BC। अब भाई हमारी टर्म से हमको ये भी पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, है कि नहीं, समझ रहे हो। वेरी गुड, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो या तो आप अपोजिट साइड बोल सकते हो, या तो आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो। अभी तुमको आएगा, पूरा डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा डाउट अभी आ रहा है, पर जैसे जैसे हम लोग 3-4 मिनट और आगे जाएंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस एंगल ए से जो जस्ट लगी हुई साइड है ये वाली, ठीक है, इसे हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं इसे, हम कहते हैं एडजेसेंट साइड, राइट, वेरी गुड। तो इस साइड को कहा जाता है एडजेसेंट साइड, या फिर बेस, आप इसको बेस भी बुला सकते हो, जो तुम चाहो। भाई बेस क्यों, और बेस क्या है, इस एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड, जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होगी, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड नाम उसका, या तो तुम उसको परपेंडिकुलर बुला सकते हो। इस एंगल ए से जस्ट लगी हुई साइड ये वाली,
इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एडजेसेंट या फिर बेस। और ये तो सबको पता है कि हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये तो सबको पता है कि आपके हाइपोटेन्यूस है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब चीजें कहां बदल जाएंगी, देखो चीजें कहां बदल जाएंगी, मैं समझाता हूं। यहां पर एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, परपेंडिकुलर या फिर आपकी अपोजिट साइड कौन सी है, लिख देते हैं यहां पर हम लोग, कौन सी है भाई, बीसी है ना। और इस एंगल ए के लिए बेस या फिर एडजेसेंट साइड, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, वो कौन सी है, वो है भैया आपकी ए बी, ठीक। अरे बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। अब तुम देखना एंगल सी के लिए चीजें कैसी बदलती हैं, ठीक है, एंगल सी के लिए चीजें कैसे बदलती हैं। यहाँ पर स्क्रीन है बेसिकली, तो मैं देख पाता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एंगल सी की बात करते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी था तुम्हारा, इस एंगल सी की बात हम करेंगे। यहाँ पर इसको वापस रीड्रॉ कर दिया इस एंगल सी के लिए। अब इमेजिन करो भाई, एंगल ए यहां पर था, इसके जस्ट सामने वाली साइड इसकी अपोजिट साइड थी, एंगल सी यहां पर है तो इसके लिए इसकी जस्ट सामने वाली साइड यानी कि ये वाली साइड अपोजिट साइड होगी, ठीक है, ये वाली साइड इसके लिए अपोजिट साइड होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फॉर एंगल सी, ठीक है, अपोजिट, अब तुम इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर साइड इज कौन सी है, ए बी, है ना। सिमिलरली अगर तुम देखते हो भाई, देखो ये तो हाइपोटेनियस है, एक तुमको ट्रिक बताता हूं, ये तो तुम्हारी हाइपोटेनियस है, ठीक, ये तो सेम ही रहेगी, बदलाव होता है बेस में और परपेंडिकुलर में। जैसे कि इस एंगल ए के लिए ये ए बी, सॉरी ये जो बी सी साइड है, ये बी सी साइड अपोजिट साइड थी, है ना, और ये ए बी साइड बेस वाली साइड थी, इसको तो तुम भूल ही जाओ, ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। पर यहां पर क्या हो रहा है, इस एंगल सी के लिए ए बी परपेंडिकुलर साइड बन गई या फिर ए बी अपोजिट साइड बन गई, है ना, और BC जो है वो इससे जस्ट लगी हुई साइड है, इससे जस्ट लगी हुई साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेस, ठीक, हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बेस, ठीक, वेरी गुड। अब भैया इससे हुआ क्या, ठीक है, इससे हुआ क्या, मैं तुमको बताता हूँ क्या हुआ इसमें। अब इतना हम समझ गए, बेसिक चीज ये समझो कि भाई एंगल के अकॉर्डिंग तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस, या फिर जिसको अपोजिट और हाइपोटेनियस बोलना है, अपोजिट या फिर एडजेसेंट साइड बोलना है, वैसा भी बोल सकता है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ये जो अभी हमने इतना सब कुछ पढ़ा इसको अप्लाई कैसे करना, इससे होगा क्या। देखो आपका जो साइन ए होता है ना, साइन ए का जो रेशियो होता है क्या होता है पता है तुमको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भैया कैसे समझाओ, कुछ तो समझाओ, देखो जरा, ये रहा तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अब तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई है ना, वेरी गुड। ये रहा तुम्हारा एंगल ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है, ए बी सी तीन साइड हो गई और ये आपका एंगल है, ठीक है, वेरी गुड। इस एंगल ए के लिए अगर मैं बोलता हूं कि साइन ए क्या होगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है या फिर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी जस्ट मैंने तुमको 5 मिनट पहले एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, मैंने ये बताया था कि यार एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अलग होगा, बेस अलग होगा, और एंगल सी के लिए चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है, वेरी गुड। अब तुम देखो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, बी सी है, क्या है, बी सी है, बी सी है ना, ये फिर चलो ये भी हटाओ, पहले तो ये समझो कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि मैं जब साइन ए लिखूंगा इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, साइन ए क्या होता है भाई, मुझे एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा कि बताओ इस ट्राइंगल ए बी सी में साइन ए की क्या वैल्यू होगी या फिर साइन ए का क्या रेशियो होगा, तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लिखना है पहले तो इस एंगल, और किसके अकॉर्डिंग लिखना है, ए के अकॉर्डिंग लिखना है। मैंने क्या बोला था कि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहता है, ठीक है, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, इसकी अपोजिट वाली साइड, है ना, इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड, इसकी अपोजिट वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो मैं लिख दूंगा बी सी, अपॉन में आएगा क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो मैं क्या लिख दूंगा, अपॉन ए सी, तो साइन ए क्या हो गया, साइन ए क्या होता है, साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आपको बस ये चीज याद रखनी है,
अब हो सकता है कि भाई तुमको ऐसा कोई ट्राइंगल दे दे, वो ऐसा कोई ट्राइंगल दे दे, है ना, ये है आपका P, ये है आपका Q और ये है आपका R, मतलब ये आपका एंगल R है, ये आपका एंगल P है। मुझसे कोई पूछता है बताओ साइन P क्या होगा, चलो साइन P नहीं साइन R, साइन R क्या होगा, मैं बोलूंगा भैया देखो मुझे बेसिक चीज पता है कि साइन थीटा या फिर जनरली साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं तो यहां पर चुपचाप लिख दूंगा P अपॉन H होता है। अब देखूंगा कि इस एंगल R के लिए P क्या है, इस एंगल R के लिए P यानी कि अपोजिट साइड इसके जो सामने वाली साइड है, जो सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो मैं लिख दूंगा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा है पी आर, बात खत्म। सिमिलरली तुम मुझे कमेंट करके बताना कि साइन पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, साइन पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, बस तुमको इतना ध्यान रखना है इस फॉर्मूला के अंदर कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेनियस तो सेम ही होता है, ठीक है, जैसे कि साइन पी के लिए तुमको ये देख इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और हाइपोटेनियस तो सेम ही है, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। एक तुमको ये सब याद करने के लिए ट्रिक बताऊंगा, आसानी से याद हो जाएगा। सिमिलरली होता है आपका कॉस ए, अब भाई ये जो ए दे रखा है ना ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगल ए हो तो ही आप लिख सकते हो, यहाँ पर कॉस ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो हो रेशियो ये होगा हमेशा या फिर फॉर्मूला आपका हमेशा ये होगा, ठीक है, बहुत से तो बेसिक फॉर्मूला ये होगा। अब हो सकता है किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल पी हो और पूछा जाए कि बताओ कॉस पी क्या होता है, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे भैया कॉस पी तो पढ़ा ही नहीं गया, नहीं ऐसा नहीं है, बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक है, वैल्यूज चेंज होगी उसकी बात बात में, ठीक है। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया फिर से आपका बी और ये हो गया आपका सी, ठीक है। मैंने बोला कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब फिर से गौर करके देखो इस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, मैंने कहा इस एंगल ए के लिए ये बेस होगा या फिर आप कह सकते हो इस एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी। देखो बच्चे दो तरीके से चीजें बोलते हैं, या तो बोलते हैं परपेंडिकुलर या बोलते हैं अपोजिट, ठीक है, या तो कोई बच्चा बोलता है बेस या कोई बोलता है एडजेसेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि परपेंडिकुलर साइड को या तो आप परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट बोल सकते हो, बेस वाली साइड को या तो आप बेस या फिर एडजेसेंट बोल सकते हो, ठीक। अब इस एंगल ए के लिए बेस क्या होगा भाई, बेस होगा ए बी, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू ए बी, ठीक, बहुत सही। और इस भाई हाइपोटेनियस तो सेम ही रहती है तो यहां पर आ जाएगा अपॉन ए सी। ये तो चलो हमने एक ऐसे ट्राइंगल की बात कर ली जिसमें ए बी सी साइड है, मान लो कि आपके पास में कोई ऐसा ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया आपका P, चलो हटाओ X, Y, Z। किसी ने मुझसे पूछा कि बताओ cos Z की वैल्यू क्या होगी, मैं अपने बेसिक फंडे आजमाऊंगा, मेरे को पता है कि cos का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मुझे इतना तो पता है, मैंने इतना पढ़ रखा है, तो मैं चुपचाप आगे लिखूंगा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसके बाद में जो मुझे करना है वो मैं करूंगा, वो ये है कि मैं अब देखूंगा इस Z के लिए बेस वाली साइड कौन सी होगी, मैंने कहा यार Z है तो बेस वाली साइड तो यही होगी, तो मैं चुपचाप यहाँ पर लिख दूंगा जेड वाई, क्यों, क्योंकि ये बेस वाली साइड हो जाएगी और हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही है जो कि है आपका जेड एक्स, खत्म बात, दिस इज हाउ यू राइट इट, आगे क्वेश्चन करेंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद सिमिलरली आता है आपका क्या, सिमिलरली आता है आपका टैन ए, ठीक है, टैन ए तुम्हें पता है क्या होता है, टैन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो खुद करके देखते हैं भैया, अब तो हम खुद सीख गए हो ना, चलो ये हो गया आपका ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। मुझे किसी ने पूछा कि बता टैन ए क्या होता है, मैंने बोला कि क्या तुझे बेसिक फॉर्मूला पता है, उसने बोला हाँ भैया टैन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसने बोला भैया ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टैन ए लिख रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा टैन ए, बता बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, उसने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड कौन सी होगी, मैंने कहा यार जस्ट सामने वाली तो बीसी होगी, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा बीसी, ठीक, बहुत बढ़िया। और बेस वाली साइड कौन सी होगी, जो उससे जस्ट लगी हुई होगी, है ना, कौन सी हो जाएगी, ए बी, खत्म बात। अच्छा अब यहां पर एक और चीज करके देखते हैं, चलो किसी ने मुझसे पूछा कि चलो बताओ टैन सी क्या होगा,
मैंने कहा तुम यार ऐसे देखो मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि टैन का जो फॉर्मूला होता है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, तो मैंने आगे लिख दिया पी अपॉन बी। बहुत सही। अब मैं इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी और बेस साइड कौन सी है। तो टैन सी के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो मैंने लिख दिया ए बी। और बेस वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो मैंने लिख दिया अपॉन बी सी। खत्म बात, बात ही खत्म, कोई चर्चा का विषय बचता ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। इस पे नेक्स्ट कौन सा रेशियो आपका, देखो जरा नेक्स्ट है कॉसेक है। तुमको बस, मैं तुमको बता दूं, तुमको बस ये तीन याद करने की जरूरत है। ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि अब आगे जो तुम पढ़ोगे वो इन तीनों के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो आपका कॉसेक ए होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये पता है किसका रेसिप्रोकल है, साइन ए का, क्योंकि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, इसके बाद एक और तुमको बताऊं, मजे की बात बताऊं, ये देखो सेक ए जो होता है वो होता है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और ये रेसिप्रोकल है कॉस ए का, क्योंकि कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आया मजे? ठीक है, इसके बाद एक और कौन बचा है, टैन, तो टैन का भी कोई ना कोई रेसिप्रोकल होगा। हाँ होता है, क्या होता है, कॉट ए। अच्छा मैं तुमको बताऊं, चलो टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, उसका नाम होता है कॉट ए, और उसके जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब तुमको सिर्फ नाम याद रखना है, रेशियो तुम अपने आप याद कर जाओगे। ठीक है, साइन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि जस्ट उसका रेसिप्रोकल, जस्ट उसका उल्टा। ठीक, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत सही। ठीक है, वेरी गुड। तो इतना हमने सीख लिया, क्या क्या सीख लिया भाई, कि साइन ए का जो आपका रेशियो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस ए का जो आपका रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन ए का जो आपका रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इसके बाद जो भी आएंगे सब इसके उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है। जैसे कि कॉसेक ए जो होगा आपका वो हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक ए जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और आपका जो कॉट ए हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, वेरी गुड भैया। यार ये कैसे याद रखेंगे, एक बहुत अच्छा तरीका है, सालों से तरीका चलता आ रहा है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखो, इस प्रकार लिखो इसको, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको इस प्रकार लिखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एक बहुत समय से ट्रिक चलती आ रही है ना, बहुत समय से, बहुत पुरानी ट्रिक है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो ये क्या रिजेंबल करता है, तुमको पता है, ये रिजेंबल करता है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक, ध्यान से अगर देखोगे, पंडित अपॉन हर लिखा है, बद्री अपॉन हर लिखा है, और प्रसाद अपॉन बोले लिखा है। ठीक है, और नीचे लिखा है सोना चांदी और तोले। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा पंडित का पी अपॉन हर का एच इज इक्वल टू एस। ठीक है, उसके बाद ये एक चीज हो गई तुम्हारी, बद्री वाला बी और हर वाला एच, ठीक है, इज इक्वल टू सी। बहुत बढ़िया, प्रसाद वाला पी और बोले वाला बी इज इक्वल टू टी। ठीक है, तुम सिर्फ फोकस करो इनके सबसे फर्स्ट लेटर पे, है ना, जैसे कि यहां पर फर्स्ट लेटर हो गया पी, यहां पर हो गया एच, यहां पर हो गया एस। इन फर्स्ट लेटर्स को निकालो और लिखो पी अपॉन एच इज इक्वल टू एस। फिर यहां पर आओ, इनके फर्स्ट लेटर्स को लिखो, ये एक चीज हो गई। ठीक है, इनके फर्स्ट लेटर को देखो बी अपॉन एच इज इक्वल टू सी। फिर इनके फर्स्ट लेटर्स को देखो पी अपॉन बी इज इक्वल टू टी। ठीक, वेरी गुड। इससे क्या हो जाएगा भैया, अरे हो गया तुम्हारा रेशियो याद, हो गया तुमको कैसे, P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू S, S मतलब साइन थीटा या फिर साइन A। ठीक है, B अपॉन H इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है, कॉस A के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B इज इक्वल टू टैन A के बराबर होता है। ठीक है, खत्म बात, तुमको बस इतना याद रखना है और ये याद रखना है कि किस फॉर्मेट में लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, डन। ठीक, इसके बाकी के जो कॉसेक सेक और तुम्हारा कॉट है वो तो तुम यूं ही याद कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपकी अगेन एक फॉर्मूला शीट है, मतलब ये अगेन ऐसे रेशियोज हैं आपके जो मैंने अभी तुमको करवा दिए,
कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन तीनों को अगर याद रख लिया तो बाकी सब आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसकी एक ट्रिक भी बता दी है। अब हम इसके सवाल करते हैं कि इसके सवाल एक्चुअल में आते कैसे हैं, ये सब इसके रेसिप्रोकल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं तुमको बता दूं भाई, ऐसा होता है कि साइन थीटा जो होता है या फिर साइन ए जो होता है वो होता है वन अपॉन कॉसेक ए। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने तुमको अभी बताया कि अगर साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साइन ए कॉसेक ए साइन ए का जस्ट उल्टा है, इसलिए हमने लिख दिया कि कॉसेक ए जो है वो साइन ए का जस्ट उल्टा है, ठीक है, रेसिप्रोकल है, ठीक। सिमिलरली आपका जो कॉस ए होता है वो होता है वन अपॉन सेक ए, ठीक है, और सिमिलरली आपका जो टैन ए होता है वो होता है आपका वन अपॉन कॉट ए, ठीक, वेरी गुड, जस्ट उल्टा, जस्ट रेसिप्रोकल, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग और आगे चलते हैं हम लोग आपकी एक्सरसाइज 8.1 पर, और यहाँ पर ना मैं तुमको बता दूँ कि सवाल किस तरीके के होते हैं, मतलब कैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, ठीक है। अगर आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए, हमने एप्लीकेशन के ऊपर ए से लेकर जेड तक हर एनसीईआरटी सॉल्यूशन डाल रखा है हर सब्जेक्ट का, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, वो बनने में ऑफकोर्स टाइम लगता है, तो धीरे धीरे सारे वीडियो सॉल्यूशंस भी अपडेट हो रहे हैं, ठीक, वेरी गुड। अब यहाँ पर यार सवाल क्या दे रखा है, सवाल पढ़ते पहले किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये आपका पहला ही सवाल है तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, है ना, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए। बेसिकली इसका कुछ काम नहीं है क्योंकि ये कुछ अलग ही चीज है, ठीक है, हम काम समझते किसका है, ठीक। इसने बोल रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, चलो डायग्राम बनाते हैं, है ना, ट्राइंगल बनाते हैं, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बहुत बढ़िया। ये कहता है कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, ठीक, बी सी है 7 सेंटीमीटर, हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जब भी ऐसा कोई सवाल तुम्हारे सामने आता है, द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू डू इज फाइंडिंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। जनरली जब ऐसे सवाल आते हैं आपको सिर्फ दो साइड्स दी होती हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक पहली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप इसमें तीसरी जो आपकी साइड है उसकी वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तब पर कैसे निकालेंगे भाई, बहुत आसान है, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी स्क्वायर जो आपका हो जाएगा, ये ए सी आपका क्या होगा देखते हैं, ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक, बहुत बढ़िया। ए सी स्क्वायर आपका हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत सही। अब 24 × 24 तुम्हारे तरीके से करके देखते हैं क्योंकि तुम एग्जाम में तो ऐसे ही करने वाले हो, ये 6 इधर कैरी ओवर हो जाएगा, ये हो जाएगा 96, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 48, 6987 और ये हो जाएगा 576 प्लस इधर आपका क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है, तो 576 प्लस 49 कितना होता है 6 × 9 = 15 हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6, दिख रहा है साफ साफ आंसर आया है 625। तो अगर ए सी स्क्वायर 625 है तो ए सी की वैल्यू मैं बता दूं आपको कि होगी 25, वेरी इजी, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से हमारी थर्ड साइड आ चुकी है विच इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके जगह 25। अब हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, अब जो रियल खेल है ना वो स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो तुमको आता है पाइथागोरस थ्योरम, तो तुमको आता है, अब हम देखते हैं हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है साइन ए, चलो निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। अच्छा, अभी एक बेसिक सी चीज पढ़ के आए हैं कि साइन का जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन का जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं लिख दूंगा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अब बात की जा रही है एंगल ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, बात की जा रही है एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यह रहा आपका एंगल ए, एंगल ए, ये यहां पर आपका एंगल ए है, यहां पर आपका एंगल ए है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस एंगल ए के लिए, चलो अगर तुमको ट्राइंगल थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, एक काम करो, है ना,
एक काम करो, हम लोग ट्राइंगल ऐसा बना के देखते हैं, ठीक। ट्राइंगल ऐसा बनाते हैं जो तुमने अभी तक देखा है, ए ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ए बी कितना दिया है 24 दिया है, बी सी कितना दिया है 7 दिया, और ए सी कितना दिया है हमको, हमने 25 निकाल दिया, ठीक है। ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक। बहुत सही। ए कितना है तुम्हारा, मतलब अब साइन ए निकालना है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, बी सी। तो मैंने लिख दिया भाई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन, हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, मैंने कहा यार हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी तो ए सी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नीचे इज इक्वल्स अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। मेरे पास आ गई साइन ए की वैल्यू, खत्म काम, ठीक है। जब भी तुम साइन कॉस जो भी रेशियो तुम लिख रहे हो ना, हमेशा उसका जो बेसिक फार्मूला होता है, जैसे कि इसका बेसिक फार्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो लिख लो। फिर देखो कि उस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, बेस साइड कौन सी होगी। आसानी से आंसर आ जाएगा। इसने हमसे पूछा है कॉस ए निकालो, तो चलो कॉस ए निकालते हैं, है ना, कॉस ए निकालते हैं, ठीक। कॉस ए, चलो नहीं पता ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, नहीं पता, बस इतना पता है हमको कि यार कॉस का जो आपका फॉर्मूला था वो था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो लिख दो सबसे पहले। अब इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखो कि बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। मुझे पता चला कि बेस है ए बी, क्योंकि ये है आपका एंगल ए, और एंगल ए के लिए बेस हो जाएगा ए बी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी, और हाइपोटेनियस तो आपका ए सी ही रहेगा। बहुत सही। अब क्या हो जाएगा आंसर, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। डन, दैट इज हाउ यू डू इट, वेरी इजी टू डू इट, ठीक। ग्रेट, ग्रेट जॉब। इसी तरीके से आपको साइन सी और कॉस सी निकालना, ये आपका होमवर्क है, 5 मिनट का काम नहीं है। क्या करेंगे भाई, साइन सी लिखेंगे, ठीक है। साइन सी बड़े एंगल ए हो बी हो सी हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता है कि इसका जो फॉर्मूला है, जो इसका रेशियो मैंने देखा था, वो देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मैं इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा, क्यों देखूंगा, क्योंकि मुझे साइन सी निकालना है। अब मैं इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ये है एंगल सी। परपेंडिकुलर या फिर जस्ट अपोजिट साइड होती है, जस्ट सामने वाली साइड, ठीक है। तो इस एंगल सी के लिए जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है वो देखो, हाइपोटेनस तुमको पता है और तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा, इट इज दैट ईजी। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं तुमको एक चीज बता दूं कि आगे क्वेश्चन मतलब आगे इसके आपके क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते ना आपके पास में एमसीक्यू के सवाल भी आएंगे, यानी कि जैसे आपके सवाल पेपर में बन सकते हैं ना, वैसे सवाल भी निकाले गए, ठीक है। बहुत सही, तो तुम चिंता मत करो। ये सवाल देखिए तुम्हारी एनसीईआरटी का है, बोला गया है गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, हमको इससे साइन ए और sec a निकालना है ना। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे बेसिक स्टेप पहले करते हैं भाई, क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो हमको दे रखा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक काम करो है ना, इस 15 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा cot a इज इक्वल्स टू 8/15। ओके वेरी गुड, तो हमको ना cot a इज इक्वल्स टू 8/15 दे रखा है। अब इससे हमको sin a और sec a निकालना है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें चमक रही है कि यहाँ पर ना हो सकता है कि ये तुम्हारी साइड्स हो, हो सकता है कि तुम्हारी ट्रायंगल की साइड्स हो। चलो करके देखते हैं, एक बेसिक चीज़ तुमको मैं बताता हूँ, एक ट्रायंगल बना लो सबसे पहले, तो ये बना लिया मैंने एक ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, एंड ये हो गया आपका c, ठीक है। बहुत सही। नोट दैट आपका cot a क्या होता है भाई, cot a इज नथिंग बट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। cot a क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर cot a है और उसकी वैल्यू दे रखी है 8/15, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि बेस की वैल्यू लिख देंगे 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू लिख देंगे 15 इस एंगल a के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम समझो कि ये रेशियो दे रखा है ना, और आप रेशियो को डायरेक्टली वैल्यू के फॉर्म में थोड़ी लिख सकते हो, ठीक है। ये रेशियो दे रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि क्या है, जैसे कि है क्या, देखो अब तुमने कभी ऐसा देखा है क्या, तुमको ऐसे दे रखा है x अपॉन y इज इक्वल टू 5/3, तो तुम क्या ये बोलते हो कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3, नहीं, हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऐसा लिखते हैं 3x इज इक्वल टू 5y, ऐसे करके कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, है ना। तो इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि b की वैल्यू 8 है और p की वैल्यू 15 है, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर हमको वैल्यू लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पर साइड लिखनी पड़ेगी, हमको अगर साइन a sec a निकालना है ना, तो हमको ये सारी ट्राइंगल की साइड्स निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम आसानी से साइन a और sec a निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यूज करता हूँ कॉन्स्टेंट के, तो बेस हो जाएगा आपका 8K और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 15K, ठीक, वेरी गुड। अब मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने एक सेम कॉन्स्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूँ, तो मेरा बेस कितना है भाई, ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है मेरा 8K है, ये बेस होगा ना, है ना, और परपेंडिकुलर क्या है 15K, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने क्या बताया था तुमको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जब भी मैंने क्या बोला था कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ट्राइंगल की दो ही साइड्स दी रहेंगी, यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, हमको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं, आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगा ले, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। साइड क्या है भाई, क्या निकालना है, ए सी स्क्वायर निकालना है इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नोट दैट कि आप क्या लिखोगे, ए बी को क्या लिखोगे 8K का स्क्वायर लिखोगे और बी सी को क्या लिखोगे 15K का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपका 64K स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 15 into 15, तो 15 into 15 तो होता है आपका 225, ये हो जाएगा आपका 225K स्क्वायर, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 225 और 64, दिस इज समवेयर अराउंड योर 289K स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू 289 स्क्वायर हो जाएगी। और मुझे थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर बू आ रही है कि ये जो 289 होता है ये 17 का स्क्वायर होता है ना, बहुत सही, करके देखना है, करके देखो, ये देखो 17 into 17, लो 9 4 कैरी ओवर 7 on the 7 11 7 1, ये हो जाएगा आपका 289, ठीक, बहुत सही। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 289 स्क्वायर के बराबर, के स्क्वायर के बराबर, यहाँ से रूट हटके इधर आ जाएगा, तो ए सी हो जाएगा आपका रूट 289 के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 289 17 के, क्योंकि रूट से एक के स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा और 289 17 हो जाएगा, तो एसी की वैल्यू निकल जाएगी 17 के। अब आप आसानी से रेशियोज निकाल सकते हो, निकाल के दिखाऊं क्या, चलो निकाल के दिखाता हूँ, है ना, निकाल के दिखाता हूँ, आ जाओ। तो भैया साइन ए निकालना है हमको, है ना, तीनों साइड मेरे पास में है। सबसे पहली स्टेप क्या बता रखी है मैंने, सबसे पहली स्टेप ये बता रखी है कि भले तुमको साइन ए निकालना हो, बी निकालना हो, सी निकालना हो, डी निकालना हो, साइन चिंटू निकालना हो, ठीक है, कुछ भी निकालना हो, हमेशा बेसिक फॉर्मूला जो है वो लिख दो। तो क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक ठीक है ना। अब देखो कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी, मैंने बोला एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट साइड उसके सामने वाली होगी विच इज बी सी, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 15K, ए सी की वैल्यू कितनी है 17K, तो बी सी अपॉन ए सी यानी कि आपका साइन ए जो है ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 upon 17 के बराबर, क्योंकि के से के कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में एक रेशियो आ गया, आपके पास में साइन ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बिल्कुल तुम सेक ए निकाल सकते हो, सेक ए क्या होता है भाई, सेक ए क्या होता है तुम बताओ, सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है ना, कॉस ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आपका सेक ए हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ठीक है, वेरी गुड। मैं खुद ही एक सेकंड के लिए सेक ए को कॉटे समझ लिया, ठीक है, निकाल लो। अच्छा कोई चाहता है कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकाल लो, सब निकाल सकते हो तुम, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, ठीक, वेरी गुड। अब हम आते हैं अगेन एक मेन टॉपिक के ऊपर विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और स्पेसिफिक एंगल्स, ये क्या है बेसिकली। देखो अभी तक हमने क्या देखा, साइन ए है ना, साइन बी, साइन सी, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंगल्स हैं, और वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हैं, स्पेसिफिक एंगल्स लाइक, स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसे एंगल्स हैं जैसे कि 0, 30, 45, 60 और 90, जिनको अगर आप साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक में डालते हो ना, तो उसको उसकी आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलती है। मतलब जैसे कि अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि अगर तुम लेट अस अज्यूम कि एक बिस्किट की फैक्ट्री में हो, ठीक है, और अगर वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर चलो बिस्किट की फैक्ट्री का हम लोग छोड़ देते हैं एग्जांपल, एक काम करते हैं, हाँ क्या होता है कि अगर हम पॉपकॉर्न डाल रहे हैं, है ना, क्या होता है कि हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग उस कंटेनर में पॉपकॉर्न डाल रहे हैं तो हमें पता है कि जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो क्या आएगा, जब हम पॉपकॉर्न की जो छोटी 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 सीड्स टाइप होती है वो डालते हैं ना, ठीक है,
तो जो निकल के आएगा बाहर वो होगा पॉपकॉर्न। सिमिलरली अगर हम जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, साइन ए है, मतलब ये आपका कोई ना कोई एंगल है ना, कोई ना कोई आपका एंगल है, या फिर आप साइन थीटा भी बोल सकते हो, साइन बी भी बोल सकते हो, साइन सी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पर ये है कि इस जगह पर ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पर अगर आप 0 या फिर 30 या फिर 45 या फिर 60 या फिर 90 डालोगे, ठीक है, तो उनके आपको वैल्यूज मिलेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि लिखा है साइन 45, ठीक है, तो हाँ इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो कौन सी है, 1/√2, ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कॉस 60, ठीक है, कॉस 60, तो मुझे पता है कि हाँ ये वो ऐसा एंगल है जिसके लिए कॉस कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, है ना, ये वो ऐसा एंगल है। अब मुझे पता नहीं भाई, हो सकती है वैल्यू कॉस 75, कॉस 80 की भी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है, पर ये ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज है जो कि हमको पता है, ठीक है, जो कि हमको पता है ना, वेरी गुड। तो अगर मैं कॉस, मान लो कॉस ए लिखा है और किसी ने मुझे बोल दिया कि ए तुम्हारा है 60 डिग्री, तो मैं हो जाऊंगा निश्चिंत, मैं हो जाऊंगा कॉन्फिडेंट कि अरे वाह, एक 60 डिग्री है, इसका मतलब cos 60 हो जाएगा, और cos 60 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और वो वैल्यू क्या है, देखो जरा, ये रहा cos, ये रहा 60, तो ये हो गया आपकी वैल्यू 1/2। ये कैसे पढ़ते हैं मैं तुमको बता देता हूँ, टेबल कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सही। तो ये मतलब, इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई ऐसे एंगल्स होते हैं आपके, स्पेसिफिक कुछ एंगल्स होते हैं जिनके लिए आपकी ये जो रेशियोज हैं वो वैल्यू देते हैं, सॉरी ये जो आपके, हाँ ये जो चीज़ें हैं वो वैल्यू देती हैं, ठीक। अब बताता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे, कैसे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है साइन ए, और यहाँ ऊपर सारे एंगल्स लिख रखे हैं तुम्हारे, ठीक है, ये तुम्हारे सारे एंगल्स लिख रखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस ए की जगह पर अगर आप ये 0 पुट करेंगे ना, तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, जो भी आप पुट कर रहे हो इस ए की जगह पर करोगे आप, ठीक है, वो ए की जगह पर आएगा, ठीक। सिमिलरली साइन 30 की वैल्यू, ये रहा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, है ना, तो साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2, तो मैं लिख सकता हूँ साइन 60 होता है आपका 3/2। बस इस तरीके से पढ़ना है। साइन ए की जगह पे 90 रख दिया तो आंसर आएगा 1, ठीक, तो साइन 90 होता है आपका 1, ठीक। इसी तरीके से आप कॉस का भी पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। अब कॉस आ गया आपका इस सेकेंड रो में, ठीक है, सेकेंड रो में आ गया, तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको ये लाइन देखनी है, साइन में आप ये लाइन देख रहे थे, कॉस में आप ये लाइन देखोगे, ठीक है। कॉस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह पर, मतलब ए की जगह पर 0 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1, तो कॉस 0 हो जाता है आपका 1, ठीक है। कॉस 30 क्या हो जाएगा भाई, ए की जगह पर 30 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये रहा। मतलब आपको जिस भी, आप अगर आप साइन की बात कर रहे हो तो साइन की रो में देखना है ना, और जिस भी एंगल की बात कर रहे हो उस रो में वो एंगल कहां पर आ रहा है वो देखना है। जैसे कि यहां पर देखो कॉस ए की रो में, है ना, कॉस ए की रो, अगर मैं बोलता हूँ कॉस 45 बताओ क्या होता है, तो मैं जो भी देखूंगा कॉस 45 मैं इसी रो में देखूंगा, ठीक है, जो भी देखूंगा यहीं पे देखूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा कि 45 का आ रहा है तो यहां पर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो भी इस रो में होगी यहां पर, ये रही, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। आसान है पढ़ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, ठीक, बहुत सही। तो ये आपको वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। भैया ये सारी की सारी वैल्यूज कैसे याद रख सकते हैं, मैं तुमको बताऊं, तो अगर तुम कोई ट्रिक ना भी फॉलो करो, धीरे धीरे करते करते सारी वैल्यूज तुमको याद हो जाएंगी। 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1, ये आपकी साइन की होगी, ठीक है। पर इसकी एक ट्रिक है, ये ट्रिक पर्सनली मुझे स्कूल में कभी पता ही नहीं थी, ठीक है, मुझे बाद में पता चली। क्या है वो ट्रिक, तुमको बताता हूँ। अब मान लो कि चलो तुमसे एक सवाल करता हूँ मैं, tan 60 की वैल्यू बताओ क्या होगी। मैंने क्या बोला, तुम अगर tan की बात कर रहे हो तो सिर्फ इस रो की बात करोगे। अब इसमें देखो कि 60 का मतलब यहाँ इसी की बात करोगे सिर्फ, ठीक है। अब देखो 60 कहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो 60 के लिए जो भी इस रो में वैल्यू आ रही है वो इसका आंसर है, तो √3 आ रही है, तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। That is how you see this table, है ना? अच्छा, अब हम समझते हैं कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। What is the best trick that you can use to basically remember this table?
साइन ए की रो देखो, ठीक है। मैं तुमको बता दूं तुमको क्या क्या याद करना है। तुमको सिर्फ ये साइन ए की वैल्यूज याद करनी है और टैन ए की वैल्यूज याद करनी है, बस। अगर तुमने ये दोनों जो रोज हैं वो याद कर लिया, यानी कि तुमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 और टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60 और टैन 90 ये वैल्यूज याद कर लीजिए, कि बहुत आसान याद करना, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो ये पूरा टेबल तुम आसानी से याद कर सकते हो। कैसे भैया? देखो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुमने ये साइन ए की सारी वैल्यूज याद कर ली, अगर तुम्हें पूरी रो याद है, तो मैं तुमको बता दूं, जो कॉस ए वाली ये जो रो तुम देख रहे हो ना, ये जो कॉस ए वाली तुम रो देख रहे हो, ठीक है, ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा उल्टा है, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा उल्टा है, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बताऊं कैसे हम लिखते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, अगर मैं इसको ही पूरा पलटा दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 5, 4, 3, 2, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको पूरा पलटा दिया। सिमिलरली तुम यहां पर ध्यान दो, ठीक है, इन वैल्यूज पर ध्यान दो, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2, है ना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जैसे मैंने 1, 2, 3, 4, 5 को उल्टा कर दिया था, पूरा का पूरा ऐसा पलटा दिया था, तो ये हो गया था 5, 4, 3, 2, 1। वैसे अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पूरा पलटाने वाला हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आगे आ जाएगा, फिर हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा 0। ये पूरा मैंने पलटा दिया, ठीक है। पहली मैंने रो याद कर ली साइन वाली और वो सारी वैल्यूज को मैंने पलटा दिया। अगर तुम एक चीज़ नोटिस करते हो, जब मैंने पलटाया तो ये वैल्यूज आई, एंड दीज वैल्यूज आर नथिंग बट द वैल्यूज फॉर कॉस। ध्यान से देख लो, तुम खुद ही देख लो, ये यहां तक है और ये कॉस की वैल्यूज है। क्या है ये वैल्यूज? 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। क्या लिखा है यहां पर? 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। यानी कि अगर तुमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यूज याद कर ली, तो बाकी कॉस की वैल्यूज याद करने के लिए तुमको सिर्फ वैल्यूज पलटानी है, ठीक है। मतलब अब कैसे पढ़ेंगे भैया, ये पढ़ेंगे कैसे? तो मैंने क्या बोला, पलटा दो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर ये तुमको याद है, मतलब ये तुम्हारा 0 डिग्री की वैल्यूज हैं, ये 30 डिग्री की वैल्यूज हैं, ये 45 डिग्री की, ये 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, ठीक है। ये हमने लिख दी साइन की वैल्यूज। भैया कॉस की याद रखनी हो तो क्या करना, इसको पूरा का पूरा पलटा देना, तो हो जाएगा 1, √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, खत्म बात, ठीक है। अब कोई मुझसे पूछता है कि चल बता साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, मुझे यार याद ही नहीं कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। पर मुझे ना पहली जो रो है, जिसको अगर ऐसा कभी होता है एग्जाम में कि तुम्हें कॉस ऐसे 30, 50, 30, 60 की वैल्यू याद ही ना आए तुमको, ठीक है, तो ऐसा करना, सिर्फ इतना करना, ठीक है, तुम आसानी से बता पाओगे कि कॉस 60 की वैल्यू क्या है। ये तुम्हारी कॉस वाली रो है और ये ऊपर वाली साइन वाली रो है। देखो कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 1/2, क्या कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, देखो जरा, हाँ जी बिल्कुल है, खत्म बात, ठीक। सिर्फ पहली रो याद कर ली, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। दूसरी अगर तुमको कुछ भी नहीं आता, पहले के थ्रू सब बता सकते हो, ठीक है। कोई मुझे पूछता है कॉस 30 क्या होगा, मैं बोलूँगा कॉस 30 √3/2 हो जाएगा, खत्म, ठीक, बहुत से। अब इसके बाद मैंने तुमको बोला कि तुमको टैन की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, तो टैन की वैल्यू याद रख लो, ठीक, बहुत सही। अच्छा, जिसको भी ये लग रहा है कि ये पर नॉट डिफाइंड क्यों लिखा हुआ है, वो मैं तुमको बताता हूँ, एक बताऊँगा सबका समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ तुमको बता दूँ कि टैन ए जो होता है, या फिर टैन थीटा जो होता है तुम्हारा, वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, काम आएगी ये, बहुत काम आएगी चीज़, ठीक, वेरी गुड। तो हमने अब टैन की वैल्यू याद रख ली। अच्छा भैया, तो भैया साइन की वैल्यू याद करने से मेरी कॉस की वैल्यूज याद हो गई, है ना। अब टैन की वैल्यू याद करने से क्या होगा? तो जब तुमने साइन की वैल्यू याद की, तब तुमने सिर्फ साइन ही नहीं, तुमने साइन और कॉसेक दोनों की वैल्यूज याद की। मैं तुमको बताता हूँ कैसे, देखो देखो, साइन ए होता है
कॉसेक ए का उल्टा, या फिर कॉसेक ए होता है साइन ए का उल्टा, ठीक है, यानी कि साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक ए। मतलब ये है, सिंपल सी भाषा में ये मतलब है कि अगर साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 2/1 हो जाएगा, ठीक। अगर साइन 60 तुम्हारा, साइन 60 अगर तुम्हारा √3/2 है, तो मैंने क्या बोला, कॉसेक इसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉसेक 60 सोचो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा 2/√3, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज चलो करके देखते हैं, क्या करके देखेंगे, हाँ है ना, अब हम देखते हैं। चलो हाँ, आपका साइन 45 अगर 1/√2 होता है तो कॉसेक 45 क्या होगा, सोचो जरा, √2, इसका जस्ट उल्टा, ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी इजी, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली भैया, साइन अगर हमने पढ़ लिया तो उससे हम उसको उल्टा करके कॉस निकाल सकते हैं और कॉसेक निकाल सकते हैं, तो ये याद हो गया, ठीक है। टैन ए हमने खुद से याद किया, अब भैया सेक और कॉट का क्या, तो अगर तुमने साइन कर लिया तो तुमने कॉस कर लिया, और कॉस के जितनी भी रेसिप्रोकल होते हैं वो सेक हो जाएंगे, जैसे कि कॉस 30 होता है तुम्हारा √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3, है कि नहीं। कॉस 60 जो है तुम्हारा वो कितना है, √3/2, एक मिनट कुछ और बढ़ोगी, हम सो सॉरी 1/2 है, तो सेक 60 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2/1, है कि नहीं, वेरी गुड, ठीक है। कॉट की बात करते हैं भाई, देखो tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉट, है ना, तो tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, है ना, बहुत सही। अच्छा मैं कह रहा हूं कि tan 60 इज इक्वल टू √3, है ना, तो cot 60 क्या हो जाएगा, याद करो भाई, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 1/√3, खत्म, दैट इज इट, ठीक है, दैट इज इट, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है बस, और मैंने बता भी दिया कि इस तरीके से याद रख सकते हो। सवाल करते हैं इस पे, चलो सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सा, ये ऐसे सवाल तुमको आएंगे और इन्हीं ऐसी सवालों को MCQ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, इवैल्यूएट करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन बोलता है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की क्या वैल्यू होगी। अच्छा यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस तुमको साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, कॉस 30 की वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है और कॉस 60 की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, मैं तुमको बता दूँ, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है तुम्हारी वो होती है √3/2, देखना है तुमको, तुम देख भी सकते हो, ये देखो √3/2, ठीक है। तो हम अब डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि हमारा इरेज हो चुका है, एक मिनट, हम अब डायरेक्टली लिखते हैं क्योंकि अब जो है हमारा काम इरेज हो चुका था, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, लिख दिया। चलो साइन 30 कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, याद करो जो साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस 30 की वैल्यू होगी, क्योंकि हमने उल्टा किया था, बहुत सही, √3/2 हो जाएगी, ठीक है। प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, क्या होती है साइन 30 की वैल्यू, खुद मुड़ के देख लो एक बार, या फिर अपनी बुक में देख लो, तुम्हारे सामने है, ठीक है, क्या होती है, 1/2, ठीक है, 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, ठीक है, बहुत सही। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 × √3, 3 हो जाएगा, 2 × 2, 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि 1/2 × 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1/4, ये हो जाएगा आपका 4/4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके हैं, ठीक, इसमें लोड लेने वाली कोई बात नहीं। चलो अगला और करके देखते हैं, हम सेकेंड क्वेश्चन करके देखते हैं, आ जाओ, क्या दे रखा है, 2 tan² 45, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ओ बाप रे बाप, भैया ये तो स्क्वायर वेयर आ गया, अरे कुछ नहीं, मैं तुमको करके बता दूं क्या है इसमें, tan 45 की वैल्यू तुमको बता दूं क्या होता है, 1 होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है,
तुम वैसे फिलहाल के लिए तो बुक में देख सकते हो, पर मेक श्योर कि ये क्वेश्चंस करने से पहले सारी वैल्यूज याद कर लो। कॉस 30 की वैल्यू तुम्हारी क्या होती है, वो होती है √3/2, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू तुमको बता दूं क्या होती है, वो भी होती है √3/2, ठीक। बहुत बढ़िया। तो अब 2 tan² 45, पहली बात तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने 1 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 बोला गया, ठीक है। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, पर यहाँ पर cos स्क्वायर 30 की बात चल रही है, तो मैंने यहाँ पर आगे ऊपर लगा दिया स्क्वायर। माइनस, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 की बात चल रही है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन √3/2, और आगे लग जाएगा स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर बचेगा सिर्फ 2, क्योंकि 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। इतने आसान ही है सवाल करना, कुछ है इसमें। तो अब इसी तरीके से अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करोगे, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। हाँ, इसमें तुमको हो सकता है कि रैशनलाइजिंग की जरूरत पड़े, तो तुम रैशनलाइज कर देना। रैशनलाइज करना तुमको आता है, 9th में तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी आता है, तो फिर तुमको इसका सोल्यूशन ऐप में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार हर क्वेश्चन आए ही, ऐसा नहीं होता। नया नया प्रैक्टिस कर रहे हो तो समय लगेगा, पर हाँ, इसमें हो सकता है तुमको रैशनलाइज करना पड़े, तो वो आप कर लेना, और उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, क्योंकि वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो हट ही चुका है, पता नहीं क्यों हटाया वो, मुझे आज तक उस चीज़ को सेंस समझ नहीं आता है। ईजी टॉपिक है वो, कुछ था नहीं उसमें, पर हटा दिया है। अभी हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज द फाइनल टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। अब यहां पर ना, इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने का एक तरीका है, ठीक है। इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने का एक तरीका है, वो क्या है वो मैं तुमको बताता हूं। वैसे तो वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर एक तुमको मैं प्रूव करके दिखा दूंगा, उसके बाद तुम खुद कर सकते हो, ठीक। बहुत अगेन, प्रूव करने का कुछ ऐसा वो है नहीं। मैं तो पहले सोचा था कि मैं तुमको प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रूफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया प्रूफ ही नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए तुमको इस पर फोकस करना है। पर फिर भी यार, थोड़ा और नॉलेज के लिए प्रूफ समझ लो क्या होता है। कुछ नहीं है प्रूफ इसका, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा आपका सी, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा आपका ac² = ab² + bc², ठीक है। बहुत बढ़िया है ना, बहुत सही। अब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया, मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने क्या किया कि इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने ac² से। किससे डिवाइड कर दिया, ac² से। यानी कि अब क्या होगा, ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी ac² / ab² + bc² / ac², ठीक। बहुत बढ़िया, मैंने पूरी इक्वेशन को ac² से डिवाइड कर दिया, तो जितने भी उसके अंदर आपके पार्ट थे सब ac² से डिवाइड हो गए, ठीक। बहुत बढ़िया, तो भाई ये ac² है, नीचे भी ac² है, ये कट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 = दोनों साइड स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ac² मतलब ऊपर पूरा स्क्वायर, bc / ac², ठीक है। आई होप दिस इज विजिबल, यस दिस इज विजिबल, ठीक है, ये आपका विजिबल हो गया, इतना समझ में आ गया। बहुत सही भैया, अब क्या करना है, कुछ नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ, देखो क्या करना है, इधर लिखते हैं हम, ठीक है, ab / ac है ना, ab / ac, जरा इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखो, अगर मैं बात करता हूं इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो ab / ac विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए = base / hypotenuse, है कि नहीं भाई। एंगल ए के लिए ab क्या है, बेस है, और ac क्या है, हाइपोटेनियस है। इसका क्या मतलब कि ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, cos a के बराबर, है कि नहीं। ab / ac इज नथिंग बट cos a, क्यों, क्योंकि cos a क्या हो जाएगा आपका, base / hypotenuse है ना, और बेस क्या है ab, और आपका हाइपोटेनियस क्या है ac, यहीं पर लिखा हुआ था। तो मैं इस ab / ac की जगह पर cos a लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलता हूं कि x = 2y, और मेरे पास एक इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, x + 25 = 10, मान लो, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर x 2y के बराबर है, तो मैं x की जगह पर 2y लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। वैसी अगर ab / ac
कॉस ए के बराबर है तो मैं इसकी जगह पर कॉस ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया इसकी जगह पर कॉस ए, हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, बी सी अपॉन ए सी है ना, बी सी अपॉन ए सी, इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन ए के बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, और ये आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है, ये आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सिमिलरली हमने क्या किया था यहाँ पर, सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड मारा था, अगर मैं सबको बी सी स्क्वायर से डिवाइड मारता तो मेरे पास इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी आती, और अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड मारता तो मेरे पास इन दोनों में से अगेन कोई एक आइडेंटिटी आती, ठीक, बहुत बढ़िया, ये प्रूफ है इन आइडेंटिटीज का। तो ये आपके पास में तीन आइडेंटिटीज है जिनको आपको ऐसे बिल्कुल मिक्स करके पी जाना है ना, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में छप जानी चाहिए। पहली तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, दूसरी है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, यानी कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक्स स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तीसरी जो आपकी आइडेंटिटी है वो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको लेकर आपकी अगली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उससे आपको समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ कैसे। इसके लिए मैंने क्या किया है, सीधा जो है ये तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ओसवाल की क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में, और उसके अंदर काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर तुम चेकआउट करना चाहो वो बुक तो कर सकते हो, मतलब मैंने पर्सनली वो बुक देख रखी है, चेकआउट कर रखी है, और काफ़ी सारे उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एक तो क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पर दोनों चेकआउट कर सकते हो। अगेन ये आप सवाल पर आते हैं, ये सवाल क्या कहता है हमसे, एमसीक्यू सवाल है भाई, ऐसे एमसीक्यू सवाल आ सकते हैं, ठीक है। मैं तुमको कहता हूँ ना, तुम्हारी एनसीईआरटी के ऐसे बहुत सारे सवाल है जो कि एमसीक्यू में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक, और ये उनमें से एक है, ये तो बेसिकली मेरे हिसाब से एमसीक्यू के फॉर्म में दिए रखा है, ठीक। द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इज, चलो एक काम करते हैं, ये सारी आइडेंटिटीज जो तुम देख रहे हो ना इसको अगले पेज पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यार आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर आइडेंटिटीज आपकी सारी जो है वो लिख दी हैं, ठीक है, ये आइडेंटिटीज तुमको याद करके चलना है, याद करने का समय तुमको ज़्यादा लगेगा नहीं, दो चार मिनट लगेंगे, तो कर लेना, ठीक है। अब इस सवाल पर आते हैं, ये सवाल हमसे कहता है द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है, बेसिकली थीटा, वैसे कन्फ्यूज मत होना, तुम यहाँ पर थीटा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, कुछ भी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा सॉल्व करके देखते हैं, हमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और 9 आपका बाहर आ चुका है। अच्छा मैंने यार एक आइडेंटिटी देख रखी है, क्या देख रखी है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख देता हूँ यहाँ पर, इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए। हाँ भैया, पर इसका ये आइडेंटिटी, इसका इससे क्या संबंध है, मैंने बोला कि आइडेंटिटीज तुमको डायरेक्टली आ जाए ऐसा नहीं होगा, ठीक है, होता है ऐसा कि डायरेक्टली आइडेंटिटीज आ जाए, पर थोड़ी सी तोड़ मरोड़ के भी पूछी जाती है, ठीक है। अगर मैं इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा तोड़ूंगा, थोड़ा सा मरोड़ूंगा, तो क्या होगा, ये होगा कि मैं अगर tan स्क्वायर ए को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि मुझे क्वेश्चन आ जाए जिसमें मुझे ये अप्लाई करना पड़े, और यहां पर वही हो रहा है, देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 के बराबर है, तो क्या मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9 सेल्फ बी इज दी आंसर, डन, ठीक है। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, एक और सवाल ही है ना। अब यार जब तुम्हारे पास ऐसे सवाल आए ना, इसमें एक्चुअली ऑप्शन ही दे दिया पर हम करेंगे, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, जब भी तुम ऐसे सवालों को सॉल्व करोगे, उसमें आइडेंटिटी लगाओगे, हमेशा ध्यान रखना, ट्राई करो कि तुम सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये एक बहुत आसान तरीका होता है जिससे कि आप क्लैरिटी पा सकते हो, जैसे कि आप इस टैन थीटा को कर सकते हो कन्वर्ट आपके इसमें साइन कॉस में, ठीक है, इस सेक थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, है कि नहीं, कॉट को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो टैन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, मैंने बता दिया तुमको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब जो कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। बहुत सही, ठीक है, बहुत बढ़िया है कि नहीं, वेरी गुड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो तो ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख रखा है यहाँ पर क्या, वन प्लस, इधर से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, इंटू वन प्लस कॉट थीटा माइनस, इधर ही लिखना पड़ेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज, इसकी वैल्यू क्या, पहले तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन प्लस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस थीटा, ठीक, वेरी गुड। प्लस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस वन अपॉन कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। वन प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पर अंदर, ये दो अलग अलग ब्रैकेट से तो एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम नीचे कॉस है यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन पूरे में आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक, बहुत सही। और इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, और इधर आ जाएगा आपका साइन थीटा, वेरी गुड। ये पूरा मैं अब इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा छोटा करके, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस एक मिनट माइनस वन अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखो यार, अगर तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करते हो इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा विजुअलाइज तुमको करना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, यानी कि अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मान लेता हूँ ए के बराबर, अज्यूम करते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए, तो क्या तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ऊपर देखो जरा नोटिस करो, ये तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा। ए अगर मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक एंटिटी मान लूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, ठीक है। और हमको पता है ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो वैसे ही नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा पूरा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, ये मेरा पूरा ए हो जाएगा और ये मेरा पूरा बी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक्सपांड करते हैं हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये हटा दूँ, अब ये हटा देता हूँ मैं, अब ठीक है, ये हटा देता हूँ, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन अपॉन, ये तो तुम्हारा साइन थीटा कॉस थीटा है ही, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखो जरा, आइडेंटिटी का इस्तेमाल अब तुम्हारा आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह वन लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा वन प्लस टू साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और यहाँ पर भी आएगा तुम्हारा कॉस थीटा, एक मिनट, है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वन से वन कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा टू, तो मैं इसमें मार्क कर दूंगा टू पर,
इट इज दैट सिंपल. ठीक है, दिखने में बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैं बोर्ड पर सॉल्व कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर और तीन चार स्टेप खा जाओगे करते करते, क्योंकि तुम्हें पता है तुमको एमसीक्यू में टिक करना है. ठीक है, तो ये इतना आसान है. तुमने दो एप्लीकेशन देख ली तुम्हारी आइडेंटिटी की. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई गेस स्लाइड्स खत्म है. नहीं है, हाँ जी, आई गेस इट इज़ ओवर. यस, सो दैट इज इट. हमने आपका पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो निचोड़ लिया है इस वीडियो के अंदर. हमने सवाल भी कर लिए हैं, हमने आपके कुछ एमसीक्यू के सवाल भी कर लिए हैं. डेडिकेटेड क्वेश्चंस आपको एक तो ऐप में देखने को मिल जाएंगे, और दूसरा जो है आपको हम वीडियो के थ्रू भी कुछ ना कुछ लेकर आते रहेंगे. ठीक है, बस दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस सेशन. अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और जिसने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है अपने उस दोस्त के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं. एंड बहुत जल्दी हम लोग 100,000 फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अचीव करने वाले हैं. ठीक है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर सकता है उस लाल बटन को प्रेस करके. विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, गुड बाय.